गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कक्षा 3 के अंदर EVS में चैप्टर 3 अवर फूड में ट्रू फॉल्स करवाऊंगा। यू किस प्रकार है, जैसे सी में दे रखा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही वाक्य हैं उसके लिए तो ट्रू लिखेंगे और जो गलत वाक्य हैं उसके लिए फॉल्स लिखेंगे। नंबर वन में दे रखा है फूड हेल्प्स अस फाइट अगेंस्ट डिसीज। जो भोजन है वो हमारी बीमारियों से हमें लड़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, अक्षमता प्रदान करता है, तो इसमें ये टी आ जाएगा। टी का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सही है ये। सेकंड में मीट एंड फिश आर प्रोटेक्टिव फूड। जो मांस और मछली हैं वो एक सुरक्षात्मक भोजन है जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ये, तो ये इसमें प्रोटेक्टिव फूड दे रखा है, तो ये मीट एंड फिश ये प्रोटेक्टिव फूड नहीं है ये हमारे लिए, तो ये एफ है, गलत है, इसके अंदर एफ आएगा। थ्री में वी गेट फूड बोथ फ्रॉम दी प्लांट एंड दी एनिमल्स। हम भोजन पौधों और पशुओं से प्राप्त करते हैं, दोनों से प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए इसमें सही का निशान आएगा, ये टी। टी का मतलब होता है ट्रू। फोर में वाटर हेल्प्स टू रिमूव हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। जो पानी है वो हमारे शरीर से जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है, तो इसमें ये ट्रू आएगा। फाइव में राइस एंड व्हीट प्रोवाइड अस एनर्जी। जो चावल है और अनाज या कनक गेहूं वगैरह होता है जो, वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसके लिए टी आएगा। टी का अर्थ होता है ट्रू। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है, बाकी जो बच गया इस चैप्टर का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा। धन्यवाद।